क्लास जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो क्या है, सेमी कंजर्वेशन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रिप्लिकेशन। वैसे तो बेटा जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो थ्री टाइप्स का होता है। पहला होता है कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, जिसमें जो दोनों स्ट्रैंड बनते हैं वो पेरेंटल टाइप के हैं। जो न्यू सिंथेसिस स्ट्रैंड होते हैं, सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं, वो दोनों पेरेंटल इक्वल होते हैं। तो जब ऐसा रिप्लिकेशन होगा जिसमें दो बने हुए स्ट्रैंड पेरेंटल इक्वल होंगे तो हम उसे बोलेंगे कंजर्वेटिव। दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव, मींस जो सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स हैं उनमें से एक पेरेंटल टाइप हो और एक न्यूली फॉर्म हुआ हो। जब एक पेरेंटल टाइप होगा और एक न्यूली फॉर्म होगा तो हम इसे बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रिप्लिकेशन। तीसरा है हमारा डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में क्या होता है, डिस्पर्सिव में याद रखिएगा, जब सेगमेंट्स में ब्रेक होकर, यानी अलग अलग सेगमेंट्स में फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होकर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो हम उसे डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन बोलते हैं। अब इन तीनों में से ह्यूमन डीएनए में कौन सा रिप्लिकेशन होता है, तो ह्यूमन डीएनए में होता है सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है ये आते हैं। कह रहे हैं वाटसन क्रिक सजेस्टेड दैट द डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मींस डीएनए का एक स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म होगा और एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा। कह रहे हैं ड्यूरिंग रिप्लिकेशन हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए, कह रहे हैं वन ऑफ द टू स्ट्रैंड रिमेन कंजर्व एंड ओनली वन हाफ इज न्यूली सिंथेसाइज। यानी ये क्या होंगे, हमारे कंजर्व होंगे ओनली हाफ जो न्यूली साइज होगा और हाफ जो होगा वो प्रेजेंट होगा इसमें। नेक्स्ट कह रहे हैं सो आर गिवन द आइडिया ऑफ सेमी कंजर्वेटिव न्यूक्लियस, तब इन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस के बेस पे इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन का आइडिया दिया। दिस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट बेस, कह रहे हैं बेस पेयरिंग आर हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि बेस पेयरिंग जो हाईली स्पेसिफिक है सो आर न्यू स्टैंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड डी नोवो, इट मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो जैसे डायग्राम दिया गया है, ये कम्प्लीमेंट्री पेरेंटल स्टैंड है, ये सेपरेट हुआ तो इसमें एक सेपरेटेड पिंक टेम्पलेट बना और एक सेपरेटेड ग्रे टेम्पलेट बना। अब इसमें सिंथेसाइज जब होगा तो एक हमारा क्या रहेगा, ग्रे का सिंथेसाइज हो जाएगा। एक पिंक वाला था और एक ग्रे बन गया, तो एक पिंक वाला पेरेंटल हो गया और एक ग्रे वाला न्यू बन गया। ऐसे इसमें क्या हुआ, एक पिंक ग्रे वाला था तो उसमें नया पिंक वाला बन गया। इसका मतलब डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज है। क्लास जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो क्या है, सेमी कंजर्वेशन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रिप्लिकेशन। वैसे तो बेटा जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो थ्री टाइप्स का होता है। पहला होता है कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, जिसमें जो दोनों स्ट्रैंड बनते हैं वो पेरेंटल टाइप के हैं। जो न्यू सिंथेसिस स्ट्रैंड होते हैं, सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं, वो दोनों पेरेंटल इक्वल होते हैं। तो जब ऐसा रिप्लिकेशन होगा जिसमें दो बने हुए स्ट्रैंड पेरेंटल इक्वल होंगे तो हम उसे बोलेंगे कंजर्वेटिव। दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव, मींस जो सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स हैं उनमें से एक पेरेंटल टाइप हो और एक न्यूली फॉर्म हुआ हो। जब एक पेरेंटल टाइप होगा और एक न्यूली फॉर्म होगा तो हम इसे बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रिप्लिकेशन। तीसरा है हमारा डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में क्या होता है, डिस्पर्सिव में याद रखिएगा, जब सेगमेंट्स में ब्रेक होकर, यानी अलग अलग सेगमेंट्स में फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होकर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो हम उसे डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन बोलते हैं। अब इन तीनों में से ह्यूमन डीएनए में कौन सा रिप्लिकेशन होता है, तो ह्यूमन डीएनए में होता है सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है ये आते हैं। कह रहे हैं वाटसन क्रिक सजेस्टेड दैट द डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मींस डीएनए का एक स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म होगा और एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा। कह रहे हैं ड्यूरिंग रिप्लिकेशन हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए, कह रहे हैं वन ऑफ द टू स्ट्रैंड रिमेन कंजर्व एंड ओनली वन हाफ इज न्यूली सिंथेसाइज। यानी ये क्या होंगे, हमारे कंजर्व होंगे ओनली हाफ जो न्यूली साइज होगा और हाफ जो होगा वो प्रेजेंट होगा इसमें। नेक्स्ट कह रहे हैं सो आर गिवन द आइडिया ऑफ सेमी कंजर्वेटिव न्यूक्लियस, तब इन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस के बेस पे इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन का आइडिया दिया।
दिस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट बेस कह रहे हैं बेस पेयरिंग आर हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि बेस पेयरिंग जो हाईली स्पेसिफिक है, सो अ न्यू स्टैंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड डी नोवो, इट मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो जैसे डायग्राम दिया गया है, ये कम्प्लीमेंट्री पेरेंटल स्टैंड है, ये सेपरेट हुआ तो इसमें एक सेपरेटेड पिंग टेम्पलेट बना और एक सेपरेटेड ग्रे टेम्पलेट बना। अब इसमें सिंथेसाइज जब होगा तो एक हमारा क्या रहेगा, ग्रे का सिंथेसाइज हो जाएगा, एक पिंक वाला था और एक ग्रे बन गया, तो एक पिंक वाला पेरेंटल हो गया और एक ग्रे वाला न्यू बन गया। ऐसे इसमें क्या हुआ, एक पिंक ग्रे वाला था तो उसमें नया पिंक वाला बन गया। इसका मतलब डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि एक स्टैंड पेरेंटल है और दूसरा स्टैंड न्यूली सिंथेसाइज है।